आत्माएं, इनकी मौजूदगी आज भी एक सवाल बनी हुई है, लेकिन इस सवाल का जवाब वही दे पाता है जो इनसे रूबरू होते हैं। आज की डेड फाइल्स की कहानी इसी से जुड़ी है। नितिन की मौत आज से ठीक 3 दिन पहले एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। दुख में डूबा हुआ पूरा घर था, इसलिए नितिन का बड़ा भाई आयुष अपनी पत्नी के साथ वापस बैंगलोर नहीं जाते हुए कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी सुमन और पापा देवेंद्र के साथ उन्हीं के घर प्रतापगढ़ में रुक गए। आयुष के मम्मी पापा के साथ आयुष का बड़ा भाई जय और भाभी सोनल भी रहती थी। दूसरे दिन आयुष अपनी मम्मी पापा को लेकर कुछ काम से बाहर गया था। जय और उसकी पत्नी सोनल अपने काम पर गए। आयुष की पत्नी कीर्ति घर पर अकेली थी। कीर्ति चाय बनाने किचन में जा ही रही थी कि उसको लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। कीर्ति ने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। कीर्ति सीधा किचन में गई और चाय बनाने लगी कि कुछ देर बाद कीर्ति को किसी की चीख सुनाई दी। कीर्ति घबरा गई और डर के मारे किचन के दरवाजे की तरफ भागी तो दरवाजा लॉक हो चुका था। कीर्ति के लाख कोशिश करने के बाद भी दरवाजा आखिर नहीं खुला और फिर अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और कीर्ति की मौत हो गई। 4 दिनों में आयुष के घर में ये दूसरी मौत थी। कीर्ति के अंतिम संस्कार के 2 दिन बाद जय लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था कि चलते चलते लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप बंद और चालू होने लगी। जय को लगा लैपटॉप में शायद कुछ खराबी आई है, इसलिए जय ने लैपटॉप बंद कर दिया और उठ के जाने लगा कि तभी अचानक लैपटॉप अपने आप शुरू हो गया। जय लैपटॉप की ओर बढ़ा तो लैपटॉप में एक वीडियो चलने लगा। ये वीडियो कीर्ति की मौत का था, जिसमें कीर्ति बुरी तरह आग के चपेट में जलती हुई चीख रही थी। ये देख डर के मारे जय के पसीने छूटने लगे। डरा हुआ जय उठकर भागने को हुआ तो चाहते हुए भी जगह से हिल नहीं पा रहा था। और फिर देखते ही देखते लैपटॉप से एक हाथ बाहर आया और जय का गला दबाने लगा। जय अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता हाथ पैर पटकने लगा। जय अपने आप को छुड़ा ही रहा था कि उतने में आयुष जय को आवाज देता हुआ उसके रूम में आया और आयुष के आते ही सब शांत हो गया। आयुष को देख जय भागते हुए आयुष के पास आया। उसने आयुष को लड़खड़ाती हुई आवाज में सब बताया, लेकिन आयुष को ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आयुष ने जय से कहा, अभी अभी घर में 2 लोगों की मौत हुई है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। ये कहकर आयुष जय को अपने साथ खाना खाने ले गया। करीब रात के 1 बजे थे। जय की वाइफ सोनल पीठ के बल सो रही थी, लेकिन जय को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी कि तभी अचानक पीठ के बल सोई सोनल ने अपने दोनों हाथों को हवा में उठाया और एक अलग ही आवाज में गुर्राने लगी। गुर्राते गुर्राते अचानक रोने लगी, जैसे मानो वो बहुत तकलीफ में है। जय समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे कि तभी अचानक सोनल शांत हो गई। इसके बाद जय की नींद अब पूरी तरह उड़ चुकी थी। जय उठकर रूम के बाहर आया तो ठीक उसके सामने कीर्ति खड़ी थी। जय कीर्ति को देख वहां से बाहर की तरफ भागा तो फिर उसने अपने सामने कीर्ति को खड़ा पाया। जय जिधर जाता उधर अपने सामने कीर्ति को खड़ा पाता। ये सब देख जय चीखने लगा और फिर कीर्ति ने अपना हाथ जय की ओर बढ़ाया और उसकी जुबान को पकड़ के बाहर की ओर खींचा और फिर उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। जय सीढ़ियों पर लुढ़कता हुआ सीधा नीचे जा गिरा और उसकी मौत हो गई। दूसरे दिन फिर घर में मातम का माहौल था। आयुष सोच ही रहा था कि क्या करे कि तभी उसने सोनल की चीख सुनी। ये चीख किचन से आ रही थी। आयुष दौड़ता भागता किचन में गया तो सोनल की साड़ी में आग लगी थी। आयुष ने आग को बुझाया और कहा, इस घर में रोज किसी ना किसी की मौत, कोई ना कोई हादसा हो रहा है। अब हम यहां नहीं रहेंगे, सब अपना अपना सामान पैक करो, हम कल ही ये घर छोड़कर बैंगलोर शिफ्ट हो जाएंगे।
घर के सभी लोग अपनी अपनी पैकिंग करने में लग गए। सोनल भी बैग पैक कर रही थी कि तभी कांच टूटने की आवाज आई। सोनल ने पीछे मुड़कर देखा तो टेबल पर रखा ग्लास जमीन पर गिरा पड़ा था। सोनल फिर अपना बैग पैक करने लगी कि तभी सोनल ने एक चीख सुनी। सोनल ने डरी हुई नजरों से अपने चारों तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। डरते हुए सोनल जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करने लगी कि अचानक सोनल जो भी सामान बैग में रखती वो अपने आप बैग से निकलकर बाहर गिरने लगा। और फिर सोनल के कानों में एक आवाज आई, जिसके लिए ये सब किया उसी को छोड़ के जा रही है सोनल। ये आवाज और ये मंजर देख सोनल क्या कोई भी डर जाता। सोनल रूम से चिल्लाती हुई भागी भागी हॉल में आई। सोनल की आवाज सुनकर घर के सारे मेंबर्स आयुष, आयुष के पापा देवेंद्र और आयुष की मम्मी सुमन भी आई। सोनल रोते हुए सबको बताने लगी, घर में कोई है, घर में कोई है। तभी अचानक जोर से हवा चली और घर के सारे खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ये देख सोनल के साथ साथ अब घर के सारे लोग भी डरने लगे कि तभी सोनल को कीर्ति नजर आई। सोनल ने घबराई हुई आवाज में कहा, वो देखो आयुष, तुम्हारे पीछे कीर्ति खड़ी है। सबने मुड़कर देखा तो सोनल के साथ साथ अब कीर्ति सबको नजर आने लगी थी। सोनल बहुत घबराई हुई थी और कीर्ति सोनल को घूरते जा रही थी और घूरते घूरते कीर्ति सोनल की ओर बढ़ी। सोनल ने कीर्ति को अपने ओर बढ़ता देख कहा, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज कीर्ति मुझे मत मारना, ये सब जय ने किया था। सोनल को यूं गिड़गिड़ाता देख आयुष और घर के सभी लोग चौंक गए। और फिर कीर्ति ने सोनल को जमीन पर पटका और किचन की ओर खींच कर ले जाने लगी और ले जाते जाते कहा, आयुष, सोनल और नीलेश ने जय की मौत का फायदा उठाकर पहले तो मुझे डराया और सिलेंडर का पाइप कट कर दिया कि जैसे ही मैं गैस ऑन करूं कुछ देर में सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए और मेरी मौत हो जाए। और मेरे बाद ये तुम्हें मारने वाले थे आयुष, ताकि पूरी प्रॉपर्टी इन्हें मिल जाए। ये सब कहकर कीर्ति ने सोनल को जमीन से घसीटते हुए किचन की ओर फेंका और फिर किचन का दरवाजा ठीक उसी तरह बंद हो गया जिस तरह कीर्ति की मौत के वक्त हुआ था। और फिर धीरे धीरे किचन में आग लग गई। इस आग ने सोनल को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही देर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और उस ब्लास्ट के साथ सोनल की चीखें भी बंद हो गई। प्रॉपर्टी के लालच ने सोनल और जय को इतना अंधा कर दिया था कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्य को ही मार डाला था।